छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में कोविड के निःशुल्क बूस्टर डोज का शुभारंभ किया। 18 से 59 वर्ष आयु के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोविड के दोनों डोज 6 माह पहले लगवा लिया है, वे सभी टीकाकरण केंद्रों में निःशुल्क एहतियातन डोज लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण के संबंध में चिकित्सकों एवं ANM से पूछताछ कर जानकारी ली। उन्होंने कम से कम वायल का नुकसान हो उसका ध्यान रखने का निर्देश दिया। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि कोविड संक्रमण के खतरे से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। टीकाकरण के बाद शरीर संक्रमण के खतरे से बचाव कर पाएगा। संक्रमण होगा तो गंभीर लक्षण नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि आज से 75 दिन के लिए 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क बूस्टर डोज लगाई जाएगी। जो अब तक कोई भी डोज नहीं लगाए हैं वे जल्द से जल्द डोज लगवाएं। सर्दी खांसी बुखार हो तो टीका न लगवाएं। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों का भी टीकाकरण होना जरूरी है, लेकिन वैकल्पिक आधार पर टीकाकरण के लिए बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाना है। अभिभावकों की सहमति से ही ऐसे बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने बूस्टर डोज का टीका लगवाया। इसके साथ ही अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भी बूस्टर डोज का टीका लगवाया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष बाल कृष्ण पाठक, जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, CMHO डॉक्टर PS सिसोदिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कल 400 से ऊपर प्रकरण है और पॉजिटिविटी भी 3 से ऊपर आई। पुराने पैमाने पे देखें तो 3 से ऊपर पॉजिटिविटी बड़ी चिंता का विषय हो जाता था, लेकिन अंतर ये देखने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद में आज अस्पताल में भर्ती 60 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। 60 या 62 लोग केवल अस्पताल में भर्ती हैं और 2000 से ऊपर जो एक्टिव केसेस आज के दिन हैं वो शेष घर में हैं। अर्थात अब जो मापदंड है कोरोना के गंभीरता का, उसको संख्या के साथ में अस्पताल में कितने लोग भर्ती हैं, गंभीर अवस्था कितने लोगों की हो रही है, इससे मापा जाता है। केवल पॉजिटिव कितने आ रहे हैं ये एक पैमाना हो गया नाप का, और दूसरा पैमाना कि गंभीर लोग कितने हैं, अस्पताल जाने की ज़रूरत कितनों को पड़ रही है, घर में रह के ही ठीक हो जा रहे हैं, यानी संक्रमण उतना गंभीर स्वरूप का नहीं है जैसे दूसरी लहर में था। उसमें देश में भी छत्तीसगढ़ में भी बड़ी मार पड़ी थी, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, करीब करीब 9000 लोग मृत हुए थे 2 महीने के अंदर। अभी पिछले महीने की तुलना में, पिछले महीने 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, इस महीने में चिंता बढ़ी है कि पहले ही सप्ताह में 3 और ये दूसरा सप्ताह जो कल ख़त्म हुआ इसमें 5, 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये चिंता का विषय है कि लोग अस्पताल में तो कम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि देर से जा रहे हैं, तो सभी को सतर्क होने की आवश्यकता है। घर में रह के ठीक होने की सुविधा है ज़रूर, लेकिन SpO2 लेवल अगर गिरता है तो 94 के नीचे जाते ही अस्पताल के पास या डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए। तो वैक्सीनेशन से काफ़ी लाभ मिला है, कोरोना वैक्सीनेशन के बाद में नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्वरूप उसका गंभीर नहीं होगा। मेरे को 3 बार कोरोना हो चुका, लेकिन क्योंकि मैंने टीका समय पे शायद लगा लिया था तो 1 बार भी मेरे को टेम्परेचर नहीं आया। पहले और दूसरे दौर में 1 रीडिंग केवल 100 की आई थी, अभी तीसरे बार संक्रमण हुआ तो 99 का भी टेम्परेचर नहीं आया, 98.9 सबसे ज़्यादा अधिकतम रीडिंग आई थी। तो उसका अर्थ मैं यही निकाल रहा हूँ कि मैंने बूस्टर डोज भी ले लिया था, इसलिए कोरोना तो हुआ लेकिन स्वरूप गंभीर नहीं हुआ। ये टीकाकरण के बाद कोरोना नहीं आप तक पहुँचेगा ऐसा नहीं है, लेकिन बचाव शरीर आपका कर पाएगा, गंभीर लक्षण नहीं आएंगे ये तय है। ये लगभग प्रमाणित हो गया है कि वैक्सीनेशन से ये लाभ मिलेगा। और अभी 18 साल से 60 साल के बीच में जिनको निःशुल्क वैक्सीन नहीं मिल रही थी, बार बार ये शिकायत आ रही थी कि निजी अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ एक वायल में 10 या 20 डोज होते हैं और निजी अस्पताल में अगर 10 या 20 लोग एक साथ वैक्सीन लगाने नहीं पहुँचेंगे तो वो वैक्सीन ख़राब हो जाती है, तो निजी लोग लगा नहीं रहे थे। तो सही समझ के थोड़े विलम्ब से भले, लेकिन 18 साल से ऊपर के भी नागरिकों के लिए बूस्टर डोज प्रारंभ कर दिया गया है। आज उसका पहला चरण है, 75 दिन तक ही ये चलेगा। तो जल्द से जल्द अगर आपका समय आ गया है 6 महीने के बीतने के बाद सेकेंड डोज के, आपको बूस्टर डोज ले लेना चाहिए। कोई भी लक्षण सर्दी खांसी या बुखार के हैं तो वैक्सीन मत लीजिए।
10-15 दिन रुक जाइए, तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद वैक्सीन लीजिए। तो इतना एहतियात बरत के सभी नागरिकों से मैं आप सभी के माध्यम से अपील करूँगा कि बूस्टर डोज अवश्य लगा लें, वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो ज़रूर ले लें। पिछले सप्ताह 5 लोगों की जो मृत्यु हुई उसमें से 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन लिया ही नहीं था, एक भी डोज वैक्सीन की नहीं ली थी। तो ये भी बात इससे जुड़ती है कि वैक्सीन का प्रभाव सकारात्मक असरदार है। वैक्सीनेशन को लेकर आज एक और बैठक होनी थी, नगर निगम ने प्रबंधन किया था, वो बैठक हो नहीं पाई स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ। तो बच्चों को या सबको लगाना है, लेकिन ये अनिवार्य कार्यक्रम नहीं है, जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि लगाना ही पड़ेगा, वैकल्पिक है। तो जहां हमको प्रोत्साहित करना है, लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना है कि वैक्सीन जरूर ले लें, असरदार है, लाभकारी है, दबाव नहीं होना चाहिए, तो बच्चों को भी लगाना है। स्कूलों से बात अगर हो रही है तो संदेश यही जाना चाहिए कि जागरूकता के साथ स्वयं की सहमति से, उनके माता पिता की सहमति से बच्चों को शत प्रतिशत अगर वैक्सीन लगती है तो वो सुरक्षित रहेंगे। बच्चों में केस आ भी रहे हैं कि उनमें पॉजिटिव आ रहे हैं बच्चे, वो इसी तर्ज का है। आज कलेक्ट्रेट में एक और बैठक चल रही है लखनपुर में मास्टर प्लान की, यहाँ आपके बीच में अभी हूँ, यहाँ से वहीं जा रहा हूँ, तो जो भी सलाह दे सकता हूँ, प्रक्रिया में जो भी हिस्सेदारी कर सकता हूँ वो करूँगा। मेडिकल कॉलेज इत्यादि के भी प्रगति का जायजा लेना है, वहाँ भी जाके देखूँगा। पिछले बार गया था तो कुछ प्रगति दिखी, अभी और कितनी प्रगति आई है उसको देखेंगे। रोड में काम जो चल रहा है लखनपुर मेन रोड में, कई जगह अभी भी बाकी है, 4 पुलिये बाकी हैं, एक लखनपुर के पहले बांध के नीचे, कुंवरपुर बांध के नीचे की सड़क अभी नहीं बन पाई है, तो उसमें भी समय समय पर काम हो। शहर में भी मुझे जानकारी मिली, बल्कि मीडिया के साथियों के माध्यम से ही जानकारी मिली कि मुख्य मार्ग में भी गड्ढे हो जा रहे हैं, तो PWD के अधिकारी, नेशनल हाईवे के भी जो अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई कि भले इमल्शन के साथ लेकिन इन गड्ढों को अभी भर देना चाहिए।